फ्रेंड्स क्वेश्चन डिस्कशन प्री ब्लॉक में 2017 को पूछा हुआ क्वेश्चन है वो हम जी एडवांस में मेन नीट में उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जी एडवांस 2017 लेक्चर 9 है, नंबर लेक्चर है। कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन पूछा है 2017 में। अब इसका स्टेटमेंट है अपॉन हीटिंग ऑफ KCl3 इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ NO2। ये जो टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीलेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन का रिएक्शन लिया गया है। अभी हम आपको दिखा देते हैं किताब में लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये पहला है KClO3 को NO2 प्रेजेंस में हीट करते हैं। फेज नंबर 184 पर है तो हम लोग लिखेंगे 2KClO3। अगर हमको याद रहेगा किताब पढ़े रहेंगे पूरा याद रहेगा। हीट करेंगे 2KCl प्लस 3O2 गैस बनेगा। W हो गया आपको W हो गया। देखिए यहाँ किताब में लिखा हुआ 2KCl को हीट। अब अगला संख्या इफ एक्सेस ऑफ W यानी ऑक्सीजन रिएक्ट विद व्हाइट फॉस्फोरस टू गिव X। अब ये X 75 केज में जब हम लोग इसको रिएक्शन कराते हैं व्हाइट फॉस्फोरस से तो क्या बनता है। अब व्हाइट फॉस्फोरस से रिएक्शन कराते हैं P4 होता है व्हाइट फॉस्फोरस एक्सेस। ये P4O10 बनता है। यहाँ पर इसका रिएक्शन लिखा होता है। अब देखिए अब जो है केवल 7.4 में रिएक्शन है। ये W react with white phosphorus to X, ये हो गया आपको X। अब the reaction of X with pure nitric acid, अब pure nitric acid के साथ reaction 172 पेज में इसका है, 172 पेज में बंद कर दो सर, 172 पेज में आप हम निकाल के केवल 7.4 निकालते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि P4 का जो है X का जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है। यहाँ टेबल देखिए यहाँ टेबल है टेबल 7.3 में है 7.3 टेबल 7.3 है। द 4HNO3 P4O10 2N2O5 सॉलिड 4HPO3 का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा ये हो गया हमको Y, ये हो गया Z। अब आंसर करना Y एंड Z आर N2O5 HPO3 N2O5 HPO3 यही आंसर होगा। अब W एंड X WO2 हो गया यहाँ पर X P4O10 हो गया तो O2 P4O6 O2 P4O10 भी आंसर हो गया। इस तरह से देखिए हम लोग को ये जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पूछा पी ब्लॉक में तो देखिए किस तरह से रिलेटेड है ऑक्सीजन फिर नाइट्रिक एसिड फिर व्हाइट फॉस्फोरस। तो इस तरह से इंटर रिलेट करके हम लोग जो पढ़ेंगे ये बहुत फायदा पहुंचाएगा। इसी से क्वेश्चन आना है एकदम पी ब्लॉक का। देखिए हम मिला रहे हैं डी ब्लॉक भी पढ़ाएंगे तो उसमें भी बताएंगे आपको क्वेश्चन। पहले इसका ये आंसर हो गया इसका फर्स्ट का कॉम्प्रिहेंसिव टाइप। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है जी एडवांस 2017 में दूसरा क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस मोर देन वन करेक्ट आंसर है। दी कलर ऑफ X2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट चेंज कलर फ्रॉम येलो टू वायलेट डाउन द ग्रुप दिस इज ड्यू टू। अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं जैसे फ्लोरीन जो कलर इसका अपीयर होता है येलो। अब यहाँ पर हम लेंगे क्लोरीन ग्रीनिश येलो ग्रीनिश येलो। अभी ब्रोमीन लेंगे रेड कलर अपीयर होता है। आयोडीन
वायलेट ये होता है, तो क्या कहता है येलो टू वायलेट, ये येलो हो गया टू वायलेट। थोड़ा सा हम इसका एनर्जी डायग्राम देखते हैं, कलर कैसे होता है, कलर गैप के वजह से होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के वजह से होता है। अगर हम फ्लोरीन का देखेंगे F2, F2 में आपको 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सिग्मा फर्स्ट S एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार फर्स्ट S एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2px एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, पाई 2py एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, पाई 2pz एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz। अब यहाँ पर हम सिग्मा स्टार 2px यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देंगे हम लोग, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 18 की वैकेंट है। कलर जो होगा यहाँ ट्रांसफर होगा, कलर एराइजेज कलर ऑफ एक्स टू मॉलिक्यूल एराइजेज बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम पाई स्टार टू पी वाई टू सिग्मा स्टार 2px। अब ये जो गैप हुआ इस दोनों के बीच में एनर्जी गैप हो गया, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ये गैप घटेगा, तो एनर्जी गैप डिक्रीजेज डाउन डी ग्रुप। जैसे भीम गायोर तो एलो को एनर्जी कम है, तो कम एनर्जी वाला गैप सबसे कम आयोडीन में होगा, तो ये एलो एब्जॉर्ब करेगा ये वायलेट एब्जॉर्ब करेगा, वायलेट हायर वायलेट, ये ग्रीन होगा, ये लोअर वायलेट वायलेट है ना, ये ब्लू ग्रीन लेगा और ये येलो लेगा। तो इस तरह से एनर्जी गैप के वजह से तो ये डिक्रीज इन पाई स्टार सिग्मा स्टार गैप डाउन द ग्रुप, डिक्रीज इन होमो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी गैप डाउन द ग्रुप, ये अब आयनेशन एनर्जी ऊपर से नीचे घटता है तो वो रीजन नहीं हुआ कलर का, फिजिकल स्टेट ऊपर से नीचे सॉलिड बनता तो वो रीजन नहीं हुआ, रीजन हुआ एनर्जी गैप, यानी दो यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ एक्साइटेड हुआ, फिर ये इलेक्ट्रॉन नीचे उतरेगा, ये हीट ये एनर्जी लेगा फिर ये छोड़ेगा है, इस तरह से होता है। ये एनर्जी कॉम्प्लीमेंट एक लेता है, जैसे कोई वायलेट लेगा तो येलो कलर अपीयर होगा, ये एनर्जी गैप के हिसाब से इसका एक्सप्लेनेशन होता है। ये पार्शियल बात सिर्फ कलर दिया हुआ एनसीईआरटी किताब में है, लेकिन ये जो डिस्कशन है थोड़ा ये एनसीईआरटी से हट के थोड़ा सा ये डिस्कशन है, इस तरह से ये क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ऑक्सोएसिड्स ऑफ HClO4 एंड HClO ईच द कंजुगेट ग्रेस ऑफ, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे हम लोग इस तरह से, ये इसका स्ट्रक्चर होता है परक्लोरिक एसिड का,
इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है, यहाँ यहाँ लोन पेयर लगता है तीन जो है सभी ये sp3 हाइब्रिडेशन sp3 है। देखिए इसमें कंजुगेशन सबसे ज्यादा है, हम लोग कंजुगेट बेस मोर इन वाटर से भी इसका बेस बनेगा, जैसे HClO4 एच प्लस HClO4 माइनस कंजुगेट बेस ये हो गया H2O एच प्लस OH माइनस। हम लोग बोलेंगे HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2O, इसलिए क्या बोलेंगे CLO4 माइनस वीकर बेस देन OH माइनस। ये सही है, सेंट्रल एटम बहुत दोनों में है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, HClO4 नहीं। जब हम इस C चॉइस को डिस्कस करेंगे Cl2 प्लस H2O डिस प्रोपोर्शन रिएक्शन होता है, यह तो Cl बनता है, ये नहीं बनता, ये आंसर नहीं है। मोर एसिडिक देन HClO बिकॉज इसमें रेजोनेंस सिस्टम भी ज्यादा होता है और HCl में सिर्फ H प्लस CLO माइनस, नो रेजोनेंस क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया ABT। ये NCERT किताब में भी इसका एक्सप्लेनेशन आगे मिलता है, कुछ भी ब्लॉक में कुछ आगे इसमें। ये तीन क्वेश्चन आपको जी एडवांस में पूछा गया, एक कॉम्प्रिहेंसिव, दो मोर देन वन करेक्ट चॉइस। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका जी मेन का डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर नीट का 2017 में जो क्वेश्चन पी ब्लॉक था उसको पूछेंगे। 2019 का हो चुका, 18 का हो गया, 2017-16 इसी तरह से ईयर वाइज हम डिस्कस करेंगे और देखिए कि वो एनसीईआरटी कहाँ तक पहुंचता है और किस तरह से हम थ्योरी पढ़ाते हैं, थोड़ा सा थ्योरी को आगे पीछे ऊपर नीचे भी हम बताते हैं कि एग्जाम का कवरेज हो जाए, इसको देखते जाएंगे, इस पर ध्यान देंगे, ये पूरा सीख जाएंगे आप लोग। ठीक है, थैंक यू।